नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप छठ पूजा का पोस्टर कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल ही कम समय में, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट दिख जाएगा, तो आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक पोस्टर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। दोस्तों, ये पोस्टर बैकग्राउंड आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, इस पोस्टर बैकग्राउंड में आपको करना है कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फोटो लगाना है, नाम लिखना है और जो मोबाइल नंबर होता है वो डालना है। और दोस्तों, आपका जो पोस्टर है वो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बिना कुछ डिजाइनिंग किए हुए। ये बना बनाया हुआ पोस्टर बैकग्राउंड मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस पोस्टर बैकग्राउंड को पाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए बिना देर के इसमें सीखते हैं फ़ोटो और नाम लगाना। फ़ोटो लगाने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक PNG इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ओके कर देना है। इसको आपको यहाँ पे मोटी वाली बिंदु पकड़ के आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे छोटा कीजिए और यहाँ पे लाके कुछ इस प्रकार सेट कर दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये नाम लिखने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे लाना है और आपको इस पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम हो। तो मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब आप इसे छोटा कर दीजिए, इसके बाद में यहाँ पे सेट कर दीजिए। इसके बाद में ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है और कलर इसका आप जो चाहे वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं अभी वाइट कर देता हूँ, फिर ओके कर दूंगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे AB फॉन्ट पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यानी कि थोड़ा स्टाइलिश बनाना है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फॉन्ट डाउनलोड अनइंस्टॉल नहीं है तो आप हमारे वीडियो को देखकर फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाम आ चुका, अब आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपको इसी को कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में आपको इस पे लाकर डबल क्लिक कर देना है, ओके। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, फिर ओके कर देंगे। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। अगर आप दोस्तों मोबाइल नंबर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद में कलर पे क्लिक कीजिए। कलर आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं, तो मैं भी येलो कर देता हूँ। यहाँ पे येलो सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। अब इसमें आपको कुछ भी डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पोस्टर हो जाता है कम्प्लीट बिना कुछ डिजाइनिंग किए हुए। अब आप इसे अपने गैलरी में सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एज़ इमेज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे अल्ट्रा रख लीजिए। इसके बाद में सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दीजिए और जो आपका पोस्टर है वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आप चाहे जहाँ पर इसे शेयर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितने कम समय में कितना बढ़िया पोस्टर आपका बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को लाइक तो करिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है और आप सभी के लिए एक ना एक वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो पोस्टर बैकग्राउंड है ये आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक, यानी कि इस पोस्टर बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक
डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही हो या आप हमारे चैनल से मटेरियल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, डाउनलोड नहीं हो रहा हो, तो मैंने भी इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कैसे आप हमारे चैनल से मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा तो आपको हमारी वो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल से मटेरियल को डाउनलोड करना सीख लीजिए। दोस्तों, कई सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आपके चैनल से मटेरियल डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोड कैसे करें, तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।